तारीख 24 मार्च 1854, जब कलकत्ता से आगरा के बीच सबसे पहले लाइंस बिछाकर संचार की दुनिया में ऐसी क्रांति लाई थी कि टेलीग्राम सर्विस ही अंग्रेजों के भारत पर इतने सालों तक और राज करने की वजह बनी। इस वजह को आप समझ सकते हैं कि इस सर्विस के जरिए कोई भी संदेश बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता था, जिस कारण जब भी भारत में कोई क्रांति की आग फूटती तो उसकी खबर अंग्रेजों को कुछ ही समय में हो जाती थी। लेकिन ये टेलीग्राम कब अंग्रेजों से भारत के लोगों के दिलों का हिस्सा बन गया, ये बात भी काफी रोचक है। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी टेलीग्राम सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कुछ सालों पहले बंद कर दिया गया। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये टेलीग्राम काम कैसे करता है। टेलीग्राम करने के लिए पहले मॉर्स कोड का इस्तेमाल होता था। तार विभाग के सभी सेंटर एक तार से जुड़े थे। मॉर्स कोड के तहत अंग्रेजी के अक्षर और गिनती के अंकों को डॉट और डैश में सांकेतिक कोड बनाया गया था। सभी टेलीग्राम केंद्रों पर एक मशीन लगी होती थी। जिस गांव या शहर में टेलीग्राम करना होता था उसके जिले या शहर के केंद्र पर सांकेतिक कोड से संदेश लिखवाया जाता था। मशीन के जरिए संबंधित जिले या शहर के केंद्र पर एक घंटी बजती थी जिससे तार मिलने की जानकारी प्राप्त होती थी और सूचना तार के माध्यम से केंद्र पर पहुंचती थी। घंटी की सांकेतिक कोड को सुनकर कर्मचारी दूसरी तरफ से भेजे गए संदेश को लिख लेता था। गड़बड़ी की आशंका के चलते टेलीग्राम संदेश बहुत छोटा होता था। संदेश नोट करने के बाद डाकिया उस व्यक्ति तक पहुंच जाता था। इस तरह से पूरे तार का प्रोसेस होता था, जिसकी खोज के बाद पूरे भारत में लोग एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए थे जिसकी कल्पना उस वक्त में नहीं की जा सकती थी। उस वक्त भारतीय मीडिया के लिए तार एक वरदान ही थी, क्योंकि भारत में जब अखबारों की शुरुआत हुई तो उस वक्त देश के किसी हिस्से में होने वाली घटना की खबरें एक हफ्ते या 10 दिन बाद तक अखबारों में जगह हासिल कर पाया करती थी और उसके बाद ही लोगों को उस घटना के बारे में पता चलता था। मगर तार के इस्तेमाल के बाद उन्हें उसी दिन छापना मुमकिन हो पाया। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने अखबारों को खास किस्म के कार्ड मुहैया कराए थे, जिस वजह से उन लोगों की खबर को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी और उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ते थे। खैर, ये तो बात हुई टेलीग्राम के शुरुआती इस्तेमाल की। लेकिन जैसे ये टेलीग्राम लोगों तक पहुंचा, लोगों ने इसे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। यही बात है कि आज जब हम पुराने लोगों से टेलीग्राम की बात करते हैं तो लोग पुरानी यादों में खो जाते हैं। पहले टेलीफोन जैसी सुविधा नहीं थी दोस्तों, और चिट्ठी पहुंचने में लंबा समय लगता था। ऐसे में बेहद जरूरी सूचनाएं तार के जरिए ही भेजी जाती थी। खुशी के मौके से लेकर गम के वक्त तक तार भेजा जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग तार के आने पर डरते ही थे, क्योंकि खुशी की खबर लोग आराम से चिट्ठी लेकर भी लिख देते थे। लेकिन भारत में तार ज्यादातर कोई इमरजेंसी होने पर ही भेजा जाता था, और ये इमरजेंसी किंग करीब 163 सालों तक भारत में चलता रहा। इसकी शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत ने की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1839 में भारत ने इस पर छोटे स्तर का प्रयोग शुरू किया। इसके बाद 50 की शुरुआत में ही अंग्रेज अधिकारी और गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने इंपीरियल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की शुरुआत करवाई। टेलीग्राम सेवा शुरू होने पर आगरा को एशिया का सबसे बड़ा ट्रांजिट दफ्तर बनाया गया था। ये अंग्रेजी शासन के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। शुरुआत में तो वे इसका उपयोग इंटरनल जानकारी भेजने के लिए करते थे। अंग्रेज सरकार अपने सारे दस्तावेज इसी के जरिए भेजती और मंगाती थी। शुरुआती समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तार का इस्तेमाल युद्ध के हालातों के बारे में बताने के लिए किया। आजादी की ज्वाला फड़कने पर अंग्रेज सरकार का कोई भी सुराग मिलता तो वो सबसे पहले तार के जरिए इसे नीचे से ऊपर तक पहुंचा देती थी। इससे समय रहते हुए युद्ध नीति बना लेते और क्रांति के इरादों को तोड़ देते थे। कुल मिलाकर बंदूकों के अलावा अंग्रेज सरकार के पास तार भी किसी हथियार से कम नहीं था। बाद में क्रांतिकारियों ने इसी तकनीक को तहस नहस कर ब्रिटिश हुकूमत को चोट पहुंचाई। हुआ ये कि विद्रोही जगह जगह पर तार की सेवा को खराब करने लगे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इंदौर जैसी जगहों पर विद्रोहियों ने तार लाइनें उखाड़ दी। यहाँ तक कि वे वहाँ काम करने वाले लोगों को भी घायल कर देते ताकि तार का काम प्रभावित हो जाए। बीबीसी की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र मिलता है कि उस दौरान देश में लगभग 918 मील लंबी तार की लाइनें तोड़ दी गईं, जिसे एक तरह से अंग्रेजों की एक बड़ी हार की तरह देखा जाता था। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि टेलीग्राम ही उन्हें भारत में राज करने में मदद करेगा, जिस वजह से साल 1870 में अंग्रेजों ने यूरोप तथा भारत को टेलीग्राफ लाइन से जोड़ दिया जो चार देशों से होकर गुजरती थी। इस लाइन की सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत से ब्रिटेन की महारानी के पास भी संदेश कुछ ही देर में पहुंच जाता था, जो पहले जहाजों के जरिए काफी दिनों या महीनों में पहुंचता था। इससे उनके लिए भारत में काम करना और फैसले लेना आसान होता चला गया। आगे चलकर तार की सर्विस देश में ज्यादा बेहतर ढंग से आकार ले सकी। आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को 9 तार घरों आगरा,
इलाहाबाद, जबलपुर, कानपुर, पटना और वाराणसी में हिंदी में तार सेवा शुरू हुई। यहाँ तक कि सिक्किम के खामजांग इलाके में भी तार सर्विस शुरू हो गई, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची तार लाइन माना गया। 80 के दशक की शुरुआत में हमारे यहाँ कुल 31,451 तार घर थे और केवल देश में ही तारों की बुकिंग 7 करोड़ से ऊपर जा चुकी थी। पर इसके बाद धीरे धीरे तार का फैशन कम होने लगा, क्योंकि पूरे देश में फोन ने स्पेस बनाना शुरू कर दिया था, जिस कारण लोग कोई भी खबर बड़ी आसानी से फोन के जरिए कुछ ही सेकंड्स में लोगों तक पहुंचने लगी। इसके बाद धीरे धीरे मोबाइल फोन और फिर इंटरनेट के आ जाने के कारण तार का काम एक तरह से बंद ही हो गया। इसीलिए साल 2013 में भारत सरकार ने तार की सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया। तार की कहानी तो जान ली, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तार भेजे गए खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में काफी रोचक संदेश थे। टाइटैनिक। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के डूबने के बारे में आपको फिल्मों के जरिए पता चल गया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जब डूब रहा था तो बीच समुद्र से खबर दुनिया तक कैसे गई? तो उन लोगों ने इसे तार की मदद से लिखा था। वी आर सिंकिंग फास्ट, पैसेंजर्स आर बीइंग पुट इनटू बोट्स, टाइटैनिक, जिसका मतलब ये है कि हम बहुत तेजी से डूब रहे हैं और यात्रियों को लाइफ बोट में भरकर निकाला जा रहा है। यही वो संदेश था जिसे टाइटैनिक जहाज से भेजा गया था। शायद ये काफी हड़बड़ी में लिखा गया होगा, तभी वी की जगह वाह हो गया था। टाइटैनिक के साथ ही अब ये संदेश भी इतिहास का हिस्सा है। राइट ब्रदर्स। साल 1909 में राइट ब्रदर्स ने विश्व की पहली सफल हवाई उड़ान की सूचना देने के लिए नॉर्थ कैरोलिना से टेलीग्राम के जरिए सबसे पहले संदेश भेजा था। सक्सेसफुल फॉर फ्लाइट्स थर्सडे मॉर्निंग। टेलीग्राम संदेश की मदद से सजा पाने वाला पहला व्यक्ति था अमेरिका का डॉक्टर क्रिपिन। जनवरी 1910 में लंदन में अपनी पत्नी कोरा की हत्या करके क्रिपिन प्रेमिका के साथ कनाडा जाने वाले जहाज में सवार हो गया, लेकिन जहाज के कैप्टन ने उसे पहचान लिया और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को तार से संदेश भेज दिया। एक पुलिस अधिकारी तेज रफ्तार जहाज से उससे पहले ही कनाडा पहुंच गया और क्रिपिन को गिरफ्तार कर लिया। 29 नवंबर 1910 को क्रिपिन को फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, ये थी टेलीग्राम से जुड़ी हुई हर वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम इस धरती का ऐसा इतिहास रहा है जिसे लोग कभी भी भुला नहीं सकते। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।